और मेयर साहब से विशेष तौर पे एक आग्रह जरूर करूंगा कि क्वालिटी का जरा ध्यान रखा जाए। मानक के अनुसार नाले और सड़कें बनते हैं जहाँ भी, मैं तो आम जनता को भी कहता हूँ, विशेष रूप से जो पार्षद हैं उन्हें तो, क्योंकि उनका क्षेत्र छोटा रहता है तो उन्हें तो मॉनिटरिंग करनी ही चाहिए जो भी निर्माण कार्य होते हैं कि बेहतर गुणवत्ता के बने। और मेयर साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से काफी लंबे समय से सड़क का निर्माण जो नाला है वो नहीं बन पा रहा था, लोगों को काफी दिक्कत थी, पानी निकासी दिक्कत हो रही थी, क्या कहना चाहोगे कितने इलाके से नाले का निर्माण होगा और कहां से कहां तक बनेगा? देखिए, पनियाला रोड पे बहुत लंबे समय से जल भराव की दिक्कत है, जिस दिक्कत के कारण यहाँ जो सड़कें बनाई जाती हैं वो भी टूट जाती हैं, और नाले की बड़ी भारी समस्या थी जिसे देखते हुए पीपल वाली गली महाड़ी से शुरू होकर के सरस्वती कुछ तक एक नाले का निर्माण आज शुरू होने जा रहा है। नाला लगभग, पानी जो अंदर अंदर की कैपेसिटी होगी वो 1 मीटर चौड़ाई का सीसी नाला बनने जा रहा है लगभग 50 लाख रुपए की कीमत से, जिसका आज हमने यहाँ पे शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से इससे पूरे क्षेत्रवासियों को यहाँ के लाभ मिलेगा, बरसाती पानी का भी लाभ मिलेगा, रूटीन के पानी का भी, और इसके बाद जब यहाँ की सड़क बनेगी तो निश्चित रूप से सड़क नहीं टूटेगी क्योंकि नाले की व्यवस्था। तो जो मेयर साहब, आपने जिस तरह नाले का निर्माण आपने बताया होगा उसके बाद क्या सड़क भी बन पाएगी? निश्चित रूप से, सबसे पहले नाला निर्माण चल रहा है और सड़क का टेंडर भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी होने जा रहा है, उसके बाद ये सड़क बनने जा रही है। काफी लंबे समय से मांग चल रही है सड़क को लेकर, लेकिन नहीं बन पा रही है। देखिए, बेसिक समझिए आप, क्योंकि ये रेलवे फाटक से लेकर आजाद नगर चौक तक बहुत लंबा एरिया है और बहुत बड़े फंड की इसमें सड़क होती है, तो राज्य योजना से PWD सड़क बनाने जा रही है और इसमें नगर निगम का भी जो भी सहयोग है वो रहेगा। हम नाले दोनों तरफ बना रहे हैं और इसके बाद जल्दी ही PWD टेंडर करके सड़क बनाएंगे। कुछ जगह अभी मेरे साहब ऐसी है जहाँ पर जल भराव की समस्या है, वो कब तक दूर हो पाएगी? देखिए, जहाँ जहाँ भी हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जल भराव की समस्या है, चाहे वो मोहनपुरा हो, चाहे वो कृष्णा नगर का क्षेत्र हो, चाहे वो इस्लाम नगर का क्षेत्र हो, चाहे ये पनियाला रोड वाला क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ जो भी कर सकते हैं बेहतर से बेहतर, जहाँ नाले बन सकते हैं नालियाँ बन सकती है, सड़क बन सकती है, धीरे धीरे काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि इस काम को हम अंतिम छोर पर ले जा करके छोड़ेंगे। और मेरे साहब, आज आपके क्षेत्र में नाला सुरक्षित हो गया है, बनना जा रहा है, और कितने और काम बाकी है जो कराना चाहते हैं आप? ये नाला जो है लगभग 7-8 साल से यहाँ पे बनता और पानी की निकासी नहीं हो रही थी। इधर के पीछे के मेरे वार्ड में इधर जो खेत हैं हमारे भाई साहब वर्ग के, सारे ख़राब हो रहे थे। पीछे पानी की गंदगी इतनी हो रही थी कि वार्ड वालों को रातों को मच्छर डेंगू की डर रहता था। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करा, बड़ों का भी मुझे साथ मिला इसमें, प्रयास करके नगर निगम में मैंने लिख के दिया कि ये नाला जो है बंद पड़ा है, इसे कम्प्लीट करवाएँ। अब ये CC का नाला बनेगा, पहले ये ईंट का था, तो बीच में गाड़ी वाड़ी खड़ी होती हैं नाले के किनारे में, तो उनकी वजह से डैमेज हो गया था नाला, सारा बंद हो गया था, और ये करीब 7-8 साल बाद अब ये बनने जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इसकी बधाई देता हूं और निगम की और मेयर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि नगर निगम से। बड़ी खुशी की बात है, बहुत दिन बाद सुनवाई हुई पर हुई जी। और इससे हमारे क्षेत्र वालों को बहुत सुविधा मिलेगी, वरना मेरे खेत में पानी भरता रहता था, बदबू हम झेलते रहते थे, और सभी अपने गांव वाले, इस मोहल्ले के सब लोग हमारे जानने वाले हैं, इसलिए हम इसको बंद भी नहीं कर सकते थे, भले ही हमारी फसल का नुकसान हो रहा जी। पर अब यह है कि अच्छी लागत लग रही है इसमें और सही तरीके से बस बनना चाहिए, जो एस्टीमेट पास हुआ है उसी तरीके से बनना चाहिए। सड़क को लेकर क्या कहेंगे, काफी लंबे समय से मांग चल रही है, यहां पर आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। सड़क 2011 में जब हम यहां से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, जब हमारे प्रयास से बनी थी दो टुकड़ों में, और उसके बाद तो आज तक बनी नहीं। प्रयास हम भी कर रहे हैं, प्रयास सभी कर रहे हैं, जिसकी जहाँ तक पहुँच है वो कर रहे हैं। वही हमने विधायक जी से भी प्रयास किया, फुरकान जी से, उनका भी क्षेत्र पड़ता है, इधर बत्रा जी से भी किया है, निशंक जी को भी कहा है, बस सब कहते हैं और वही कोशिश भी कर रहे हैं, शायद कोशिश कामयाब भी होगी, आज नहीं तो कल बनेगी ही। मैं तो सर विशेष करके जो विजय रावत जी हमारे जो इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं, और मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष करके हम ये चाह रहे हैं कि नाले का तो इन्होंने शुभारंभ कर ही दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि इस रोड के लिए विशेष करके प्रयासरत रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी बहुत शुभकामनाएं और सबको बहुत बधाई, क्योंकि लगातार विकास की ओर काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे मेयर के लिए क्या कहोगे, क्योंकि क्षेत्रवासी कहते हैं भाई मेयर साहब काम नहीं करते, तो ऐसे आपके सामने उद्घाटन करना क्या कहोगे? नहीं, जो हमारे नगर मेयर हैं, रुड़की मेयर,
ये हमेशा हर आदमी के लिए अवेलेबल रहते हैं और हर जगह और हर कार्य को करने में अपना प्रयास जारी रखते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए कहें तो जरूर पहुँचते हैं और उस कार्य को करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करते हैं। अब हमारा ये नाला बनते जा रहा है और उनसे हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सड़क भी वो शीघ्र से शीघ्र बनाएं और हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद जी उनका भी इसमें काफ़ी योगदान है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। उन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संज्ञान में जो है ये सड़क का प्रकरण जो है उनके संज्ञान में आ गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो है नगर निगम के कार्य क्षेत्र में तो नहीं आया, लेकिन जो है PWD से इसके बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, ये मुख्य रोड है और इस पर आवाजाही का जो है बहुत ज़्यादा लोड है, है तो इसको जल्दी से जल्दी मेरे सामने आश्वासन दिया कि इसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं क्या कहेंगे सुभाष भाई, नाला तो स्वीकृत हो गया है, 48 लाख रुपये बताए गए हैं कि भाई ये सेक्शन हुआ है इसमें, तो अब ये सड़क को लेकर क्या कहेंगे और जो आपकी फसल इससे नुकसान हो रहा था उसको लेकर? सबसे पहले तो नितीश जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे। और इसी कड़ी में मैं माननीय मेयर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस नाले के बारे में संज्ञान लिया, हमारे क्षेत्रीय पार्षद विजय भाई जिनकी मेहनत से कार्य सफल हो पाया और ये बहुत ही बुरी स्थिति में था जैसे कि आप सभी देख चुके हैं। और इसके लिए मैं पुनः सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और मेयर साहब से विशेष तौर पर एक आग्रह जरूर करूँगा कि क्वालिटी का ज़रा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर क्वालिटी का ध्यान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देखिए उनकी छवि तो धूमिल होगी ही होगी और शायद बनाने वाले या जो भी प्रक्रिया में हैं उन्हें भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और क्षेत्रवासियों को इसका सुख मिले, जो समस्या है उससे निकल पाएँ, तो उसके लिए मैं इस चीज़ का आग्रह करूंगा। रही रोड की बात, ये मेयर साहब के संज्ञान में भी है, यहाँ क्षेत्रीय विधायक जितने भी हैं सबके संज्ञान में है। हमारा तो सभी से एक ही निवेदन है कि अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपना राजनीतिक दलों के बारे में ना सोचते हुए अपने क्षेत्र की जनता के बारे में सोचिए और अगर आप क्षेत्र की जनता के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको आशीर्वाद देगी। जैसा आप कार्य करेंगे वो पुरानी कहावत है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत पर विशेषकर ध्यान दें और जनता को इस चीज़ से सुख दिलाएँ कि आने वाला समय जो है उनका सुखमय होगा। मानक के अनुसार नाले और सड़कें बनते हैं, जहाँ भी मैं तो आम जनता को भी कहता हूँ, विशेष रूप से जो पार्षद हैं उन्हें तो क्योंकि उनका क्षेत्र छोटा रहता है तो उन्हें तो मॉनिटरिंग करनी चाहिए जो भी निर्माण कार्य होते हैं कि बेहतर गुणवत्ता के बने। और मैं तो क्षेत्रवासियों को भी कहता हूँ वो भी थोड़ा समय दें, जहाँ जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं 2-4 घंटे 6 घंटे, और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। गुणवत्ता तो मस्ट है, किसी भी कार्य अगर जब तक अच्छा नहीं होगा वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और हमारे भी नगर निगम की तरफ से विशेष निर्देश रहते हैं JE को, AE को और साइट पे किसी निगम के ही व्यक्ति को, निर्माण विभाग के मौके पे खड़े हुए और अच्छे से अच्छा कार्य करें। पहले भी आपने IIT के जो इंजीनियर से उनसे जांच जी 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 तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या निश्चित रूप से जांच भी लगातार चलती रहेंगी और जांच को लेकर के कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम गुणवत्ता के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज।